जैसे जैसे May 23 के एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होता है, कभी कभी सेल्फ डाउट आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं, पूरा 100% सिलेबस कवर होगा कि नहीं, ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, राइट? बहुत कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ाई करते हो, और कुछ ऐसे दिन होते हैं जब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, बिल्कुल मूड नहीं करता है पढ़ाई करने का। कुछ ऐसे दिन होते हैं जब पूरा दिन वेस्ट हो गया, लेकिन वेस्ट होने के बाद गिल्टी भी फील होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, पूरा एक दिन वेस्ट हो गया, क्योंकि हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे फीलिंग्स को कैसे ओवरकम किया जाए, हाउ टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी, हाउ टू इंप्रूव योर फोकस, बिकॉज अब टाइम इतना है और सिलेबस इतना है, तो हर एक दिन कीमती है। तो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है अब, ताकि आप 100% प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ सको, तो आज इसी चीज के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं। एंड साथ ही साथ, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की मदद से मैं ट्राई करती हूं कि आपको मोटिवेट करूं, गाइड करूं और आपकी सीए जर्नी को इजी बना सकूं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहली चीज आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आपका ना आज नेक्स्ट वन मंथ का पूरा टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए कि आप हर दिन क्या क्या करने वाले हो। देखो, जब आपके दिमाग में आपके गोल्स क्लियर होते हैं, आपके हर दिन का टारगेट क्लियर होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप ट्राई करते हो, खुद को थोड़ा पुश करते हो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। देखो, एक तो आप ब्लाइंडली पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं आपके आज के दिन का टारगेट क्या है, तो जितना हो गया उतना ठीक है, उससे आप सेटिस्फाई हो जाते हो। बट दूसरी अप्रोच क्या है, आपका वन मंथ का पूरा एक टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए कि इस महीने मुझे ये 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 कंप्लीट करना है और इस तरीके से कंप्लीट करना है। जब एवरी डे का आपका टारगेट सेट है ना, तो कहीं अगर आपका आज का दिन थोड़ा वेस्ट भी हो रहा होगा, अगर आप फोकस नहीं भी कर पा रहे होगे ना, तो आपका जो टारगेट है वो आपको थोड़ा पुश करेगा कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि मुझे आज का टारगेट अचीव करना है। देखो, कभी कभी टारगेट्स अचीव नहीं भी हो पाते हैं, विच इज टोटली फाइन। देखो, कभी कभी टारगेट्स अगर अचीव ना भी हो तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करो कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करें। तो फर्स्ट अप्रोच इज टारगेट ओरिएंटेड, टाइम टेबल बनाइए, हर दिन का टाइम आपका सेट होना चाहिए, हर दिन का टाइम टेबल आपका बना हुआ होना चाहिए, ताकि जब सुबह उठो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे आज क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी इज बाय मेकिंग टाइम टेबल, बाय सेटिंग टारगेट्स ऑफ एवरी डे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे ना, आप बिल्कुल टाइम पे अपने पोर्शन को खत्म कर पाओगे, नहीं तो ना आपका ये रह जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा मैं करूं क्या, कैसे करूं, यही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपकी अगर पढ़ाई प्लान्ड नहीं है ना, अगर प्लानिंग वीक है ना, तो प्रॉब्लम आने वाली है बाद में, अभी आपको नहीं फील हो रहा है शायद, अभी एक दो दिन वेस्ट भी हो जाते हैं तो पता नहीं चलता है, पर जब आप टारगेट बनाओगे ना, तो आपको पता चलेगा हर एक दिन की क्या वैल्यू है, हर एक दिन में आप कितना पोर्शन कवर कर सकते थे और आपने नहीं किया। तो पहली चीज, टाइम टेबल बनाइए। दूसरी चीज, देखो, जब हम किसी चीज से क्यों बोर हो जाते हैं, जब हमें मोटिवेटेड फील नहीं होता है, जब हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, यार जब भी आप मोटिवेटेड फील ना करो या डीमोटिवेटेड हो जाओ या बोर हो जाओ ना, तो एक चीज सोचना, पिछले 6-7 महीने से आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अब हार्डली कुछ टाइम बाकी है, अब आपको ना बोर नहीं होना, अब आपको क्विटिंग वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, अब आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है कि आन दो यार, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने इतनी मेहनत की है पिछले इतने महीनों से, अब ना, अब टाइम पीछे हटने का नहीं है, अब टाइम आगे बढ़ने का है, अब कुछ महीने की मेहनत है, और पता है ये मेहनत से आपका फ्यूचर जो है ना, डेफिनेटली आपको पता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कितना बेटर हो जाएगा, बस 2 महीने की मेहनत है यार। और इस मोटिव के साथ पढ़ो कि मेरा अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए, इस मोटिव के साथ पढ़ो कि ये जो अटेम्प्ट है इसमें मुझे क्लियर करना है और करना ही करना है। अपने आप को मोटिवेटेड रखने की ट्राई करो, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन काम करता है ना, उतना कोई चीज काम नहीं करती। तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कि नहीं, दिस इज द अटेम्प्ट, दिस इज माई अटेम्प्ट, दिस इज माई गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैंने पिछले 6-7 महीने से बहुत मेहनत कर दी, एंड दिस इज माई टाइम टू शाइन, राइट? आपने बहुत मेहनत की है, तो अब पीछे हटने का टाइम नहीं है, अब आगे बढ़ने का टाइम है, अपने आप को पुश करने का टाइम है। देखो, अब ना आप इस एज में हो कि आपको कोई पुश नहीं करेगा, कोई पुश नहीं करता, ना पेरेंट्स आपको पुश करते, क्योंकि सबको ऐसा लगता है नहीं पुश करेंगे थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा, कोई आपको पुश नहीं करता, करेक्ट? यू हैव टू पुश योरसेल्फ, क्योंकि जो चीज
आप अचीव करने वाले हो वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। तो उसके लिए देखो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, खुद को थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से पुश भी करना पड़ेगा। और जब भी ऐसा लगे ना यार मेरे से नहीं हो पा रहा या मेरे से नहीं हो पाएगा, जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आए ना दिमाग में, जस्ट क्लोज योर आईज और ये सोचना जिस दिन मैं पास होऊंगा मुझे कितना अच्छा फील होगा, मेरी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड होंगे। तो जब भी आप डल हो जाओ, जब भी आपको बोर हो, जब भी ऐसे लगे कि नहीं यार कैसे होगा, तो बस ये सोचना कि नहीं मुझे करना है, खुद के लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है और मैं करूंगा और इसी अटेम्प्ट में करूंगा। 2 महीने यार आग लगा दो यार, पढ़ाई ऐसे करो, आपकी दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू शाइन, आई एम टेलिंग यू। ये मौका आपको मिला है और इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। जब भी लो फील हो, जब भी ऐसे लगे कि नहीं हो पाएगा, तब एक चीज अपने आप को याद दिला देना कि आपने बहुत मेहनत की है और ये 2 महीनों में ना गिवन ऑल दैट यू हैव, जितनी एनर्जी है पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करो, ये 2 महीने वापस नहीं आएंगे। तो ये 2 महीने आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। और जो ये जो डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें होती है ना, सोशल मीडिया, ये सारी एग्जाम के बाद आप जितना मर्जी चाहो उतना कर सकते हैं, 2 महीने का तो टाइम है। और जब भी ऐसा लगे कि यार मेरे दोस्त तो बाहर घूम रहे हैं मैं कहां फंस गया, जो आप अचीव करोगे वो अचीव नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। गिव इन ऑल दैट यू हैव यार, गो ऑल आउट, जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी के साथ काम करो, जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो और आप करके दिखा सकते हो। तो डू इट, गिव इन ऑल दैट यू हैव, राइट। और मैं तो हूं ही आपको मोटिवेट करने के लिए, मैं आती रहूंगी, एक ये जो मोटिवेशन का बूस्टर है ये मैं ट्राई करूंगी कि एग्जाम डेट तक मैं आपको